साकोली विधानसभा क्षेत्रातले भाजपचे उमेदवार डॉक्टर परिणय फुके यांना पराभवाचा फटका बसलेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राज्यात 9 प्रचारसभा घेतल्या, त्यापैकी 4 ठिकाणी भाजपला चांगलाच फटका बसल्याचे चित्र आहे. त्यातच 2014 विधानसभा निवडणुकीतही तसेच घडले होते. 2014 गोंदियाला व ब्रह्मपुरीला आले असता भाजपचा अधिकृत उमेदवार हरला. यावेळी साकोलीला आले असता तिथे पालकमंत्री डॉक्टर परिणय फुके यांना पराभवाचा फटका बसला आहे. मैं आपके सामने शीश झुकाते हुए प्रणाम करता हूं. भाइयों और बहनों, नई सरकार बनने के बाद नई ऊर्जा के साथ हम सभी नए भारत की नई पहचान को गढ़ने में जुटे हैं. पूरी दुनिया के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन चुनौतियों से निपटने में भारत अब अधिक सक्षम दिख रहा है. ये सब कुछ हो पा रहा है आप सभी के विश्वास के कारण. ये आपका विश्वास है जो हमें निरंतर प्रेरित कर रहा है. ये आपका विश्वास है जो कड़े और बड़े फैसले लेने की शक्ति दे रहा है. ये आपका विश्वास है जिसके कारण हम ऐसे मजबूत कदम उठा पा रहे हैं और जिसे उठाने में पहले लोग डगमगाते थे, डरते थे, झिझकते थे. आज से 5 वर्ष पहले अक्टूबर के महीने में ही जब मैं महाराष्ट्र विधानसभा के लिए आपका समर्थन मांगने आया था, तब मैंने आपसे क्या कहा था आपको याद है? भूल गए? आपको याद है क्या? मैं आपको याद दिलाता हूं. तब मैंने आपको कहा था कि आप हमें महाराष्ट्र में अवसर दीजिए, हम आपको स्थिर सरकार और सशक्त नेतृत्व देंगे. आपने हम पर जो विश्वास किया उसी का परिणाम है कि देवेंद्र फडणवीस जी के रूप में एक मजबूत और युवा नेतृत्व महाराष्ट्र को मिला है. फडणवीस जी ने पूरे महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के हर नागरिक को समग्रता के साथ, संपूर्णता के साथ नेतृत्व दिया है, सामाजिक सद्भाव के लिए काम किया है. बरसों बाद महाराष्ट्र को ऐसा नेतृत्व मिला है जिसको संपूर्ण महाराष्ट्र का प्यार मिला है, स्नेह मिल रहा है. भाइयों और बहनों, बांटने और छांटने वाली राजनीति अब अतीत हो गई है और इसका ट्रेलर आप सभी ने 2014 में दिखा दिया था और इस चुनाव में आप लोग पूरी फिल्म दिखा देने वाले हैं. जो काम करेगा उसको ही आपका विश्वास मिलेगा, ये अब सिद्ध हो चुका है.